मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई एम सो श्योर आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे. सो टुडे इज आवर डे 8 एट केरला और yesterday we had an amazing time at Varkala. और अगर आपने अभी तक हमारा वर्कला वाला व्लॉग नहीं देखा है तो जस्ट गो एंड चेक आउट अ डे एट वर्कला. और उसके पहले के भी सारे व्लॉग्स के जो लिंक्स है वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. जितने भी जगह हमने केरला में कवर करी है वो हमने बहुत ही डिटेल तरीके से एक्सप्लेन की है. इफ यू वांट अ डिटेल आइटिनरी जस्ट डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम. वी आर ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव ऑन इंस्टाग्राम. भाई वर्कला ने ना बड़ी अच्छी वाइब्स दी है हमें और बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा है हमारे ऊपर. तो अब हम मूव कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे विच इज कोवलम. तो चलो चलते हैं कोवलम और एक्सप्लोर करते हैं. सो गाइस, नाउ वी हैव रीच्ड टू कोवलम और हमने चेक इन कर लिया है अपने रिजॉर्ट में, बीच एंड लेक आयुर्वेदिक रिजॉर्ट में. और अगर आपने उसका व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द व्लॉग. बहुत अच्छा रिजॉर्ट है. लाइक हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी बट एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा निकला. और अब हम जा रहे हैं कोवलम को एक्सप्लोर करने के लिए. सो देखते हैं कि कोवलम में हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया, क्या यहाँ पर देखने लायक है, क्या हमें बहुत पसंद आया और क्या हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया. सो लेट्स सी. नाउ वी हैव रीच्ड द कोवलम बीच. तो बस अब हम कोवलम बीच को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं और यहाँ का रास्ता जो है ना वो बहुत ही पतला है. तो मैं जस्ट एक बार आपको दिखाती हूँ कि भाई यहाँ का रास्ता कैसा है. इतना एकदम पतला पतला ये रास्ता है. इस साइड ये पूरा जंगल है, इस साइड ये पूरा पानी है और एकदम ये बहुत पतला है. गाइस यहाँ का रास्ता देखो बीच का. इस रोड पे से हमें बीच होके जाना है. देखो ये कितना पतला सा रास्ता है. ये कैसी जगह है, कैसा बीच है? या तो इनका शो में शॉर्टकट है या पता नहीं, बट ये बीच काफी ज्यादा कॉमर्शलाइज्ड है. यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, वाटर एक्टिविटीज सब कुछ होता है और यहाँ पर आपको अच्छा खासा क्राउड भी मिलेगा टू एंजॉय. यहाँ पर आपके लिए खाने पीने के लिए भी काफी ऑप्शंस होते हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए काफी ऑप्शंस होते हैं, इनफैक्ट हेल्दी ऑप्शंस भी होते हैं. यहाँ पर मिलती है चाय, कॉफी, मैगी, स्वीट कॉर्न, जूसेस, सब कुछ, भुट्टा, इनफैक्ट भुट्टा तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है. तो आप यहाँ पर आएंगे तो आपको किसी और चीज में लगता है, आप यहाँ पे पूरी तरीके से एंजॉय करके जा सकते हैं. आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज चल रही है, पैरासेलिंग, बहुत कुछ है और सारी फैमिली यहाँ पे एंजॉय कर रही है. तो अब है हमारा टाइम यहाँ पर एंजॉय करने का. और भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम डेफिनेटली इस ब्लॉग में जरूर शेयर करेंगे. तब तक के लिए हम अभी थोड़ी देर एंजॉय करते हैं. यार लकीली यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था तो हमें टैनिंग की बिल्कुल दिक्कत नहीं है. बहुत ठंडा मौसम और बहुत मजा आ रहा है. भाई ये बहुत तेज है, पता नहीं अंकल लोग इतना रुक कैसे रहे. भाई मेरे को बहुत डर लगती है. भैया बैठते हो और यहाँ पे कच्चा आम और पाइनएप्पल दे रहे थे तो हमने सोचा कि ट्राई कर लेते हैं. और भूख भूख भी बहुत तेज लग रही थी, हम कुछ और खाने जाने ही वाले थे तो पहले हमने यही ट्राई कर लिया. तो हमने ये पाइनएप्पल लिया और ये सिर्फ 20 रुपीज का था. इसमें ये कुछ लाल मिर्ची से डाल के देते हैं पर ये बहुत मीठे हैं. जो हम वहाँ खाते हैं ना उससे बहुत ज्यादा मीठा है. यार बीच में नहाने के बाद और पूरा एंजॉय करने का, तो मुझे तो बहुत तेज भूख लगाई. अब हम आए हैं बहुत ही फेमस बीटल्स कैफे पर. लेट्स एक्सप्लोर दिस. पिन का मेन्यू ऐसे स्कैन करना पड़ता है और फिर आप जो भी चाहो यहाँ से ऑर्डर करवा सकते हो. इज द एम्बियंस ऑफ दिस कैफे एंड ये बहुत ही फेमस कैफे है. प्राइजेस रीजनेबल से थोड़े से ज़्यादा है बट ठीक है, फिर भी मैनेजेबल है बिकॉज इन केरला चीज़ें बहुत रीजनेबल हैं. तो उसके कंपेरेटिवली ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट इतना भी नहीं है. ये बीच है और ये बीच साइड पर पूरा खाने पीने फूडिंग के बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारे कैफे हैं. तो आप यहाँ पर आओगे आपको खाने की तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मेन कोर्स के लिए हम आए हैं अपने क्राउन प्लेस कैफे पे. ये बहुत ही ब्यूटीफुली और एस्थेटिकली डिजाइन है. चलो लेट्स ट्राई करते हैं इनका खाना और फिर देखते हैं कि कैसा है. तो हमने ऑर्डर किया था ये गार्लिक पराठा, अपनी फेवरेट बटर मसाला, जो एक्चुअली बटर मसाला की तरह लग रही थी. और हमने ऑर्डर की थी बटर रोटी. यार सो वी हैड आवर लंच एट द क्रोज नेस्ट. ऑनेस्टली खाना तो टेस्टी था बट बहुत स्लो सर्विस थी.
मतलब 1.5 घंटे में उन्होंने हमें 3 रोटियां खिलाई हैं कि हमें फिर उसके बाद कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था कि भाई ये इन रोटियों में अगर 1.5 घंटा लगा रहे हैं तो पता नहीं ये आगे के खाने में कितना टाइम लगाएंगे। सो इट वॉज अ वेरी डिले सर्विस बट खाना बहुत अच्छा था। पनीर इज वॉज सो गुड, तो आई रियली लाइक, मतलब जब से मैं केरला आई हूँ तो आई थिंक मुझे अभी तक सबसे अच्छा पनीर यहीं का लगा है और मैंने अभी तक 3 बार खाया है वो पनीर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो कोवलम के बीचेस पे पूरा दिन इन्जॉय करने का, मतलब पूरा बिल्कुल सनसेट हो चुका है, शाम हो गई है और पूरा हम अच्छे से भीगे हुए हैं, तो अब हम जाएंगे और एक फ्रेश शावर लेंगे और फिर देखते हैं कि हम आगे क्या करते हैं। बहुत 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 मज़ा आया, लाइक हम अभी तक जो दोनों बीचेस गए थे तो वहाँ पर मैंने टाइम स्पेंड किया था, बट दिस वॉज द वन जिसमें पूरा नहाए हैं अभी तक, तो इट वॉज ग्रेट फन एंड दिस बीच वॉज बेटर देन वर्कला। यार यहाँ पर भी वर्कला की तरह पूरा मार्केट है एंड बहुत सारी बीच वेयर्स मिलते हैं, ये टैटू सेंटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं शॉपिंग के लिए, सो यू कैन जस्ट कम एंड शॉप फ्रॉम हियर। इसका सी फूड भी बहुत फेमस है। यार यहाँ पे ना कुछ पीले कलर के नारियल पानी भी मिल रहा था, वैसे हमने हरा तो बहुत बार पिया है तो ये पीले कलर का मिल रहा था, तो हमने सोचा इसको भी ट्राई करके देखते हैं, वैसे मुझे नारियल पानी बहुत पसंद है। बस टॉकिंग अबाउट दीज नारियल्स, ये ग्रीन वाले एंड ये येलो वाला, सो वी आर ट्राइंग दीज येलो वाले, तो देखते हैं इस वाले नारियल में और ग्रीन वाले नारियल में क्या डिफरेंस है। यार ये मलाई वाला नारियल है और ये ग्रीन वाले नारियल से बहुत ज्यादा मीठा है, ये ऐसा लग रहा है इसमें शक्कर मिली हुई है। गाइस अब हम आ गए अपने रिजॉर्ट में, ले लिया है बहुत अच्छा सा शावर एंड दिस इज ऑल अप फॉर टुडेज ब्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।